बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सकते में है। सुशांत के इस दुनिया से चले जाने से हर एक आंख नम है। सवाल हर किसी के मन में यही आ रहा है, सुशांत ने ऐसा क्यों किया? रविवार यानी 14 जून को मुंबई में बांद्रा स्थित अपने घर में सुशांत ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया। सवाल हर किसी के मन में ये है कि आखिर क्यों सुशांत ने अपनी परेशानी के बारे में किसी से चर्चा नहीं की? आखिर क्यों सुशांत ने मुश्किल वक्त में अपने परिवार को अपना सहारा नहीं बनाया? ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिंदगी जीने से ज्यादा इसका अंत कर देना आसान हो गया? ऐसी परिस्थितियों के बीच आपको बता दे, खबर आई है 6 महीने से सुशांत का डिप्रेशन से इलाज चल रहा था। मुंबई के ही डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे थे। सुशांत के निधन के बाद उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे का वीडियो आया है जो आपकी आंखों को नम कर देगा। तस्वीरों को आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। अंकिता सुशांत के निधन के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाई, इसलिए उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन मंगलवार को सुशांत के पूरे परिवार का सहारा बनने के लिए उनके घर पहुंची अंकिता। उसी घर में गई जहां सुशांत ने दम तोड़ा। अंकिता को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी परेशान और उदास है। उनके दोस्त संदीप सिंह सहारा दे रहे हैं, कदम अंकिता के लड़खड़ा रहे हैं। ये आंखें काफी हैं उस दर्द को बयां करने के लिए जो सुशांत के निधन से अंकिता को लगा है। आपको बता दें, पवित्र रिश्ता में अंकिता और सुशांत अर्चना मानव के तौर पर नजर आए। इनके प्यार की शुरुआत हुई 6 साल तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। साल 2016 में दोनों का ब्रेकअप हुआ, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि सुशांत इस तरह दुनिया से चले जाएंगे। सुशांत तो चले गए, लेकिन आज अंकिता अपने दर्द को कैसे उजागर करे ये शायद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।